कान पकड़ ली दोबारा, इस रोड से नहीं आऊंगी। सही में बहुत गाली पड़ी मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम निकलने वाले हैं करजत के लिए। इस बार मेरा भाई साथ नहीं जा रहा है और अभी किटी को जो है मैंने छोड़ा था सुबह उठ के, और उसे अभी अंदर डालना है क्योंकि मानव संभाल नहीं सकता उसे। तो किटी हाथ में नहीं आ रही है, उसको कब से बुलाया जा रहा है लेकिन वो हाथ में नहीं आ रही। उसको पता लग चुका है कि हम लोग बाहर जाने वाले। बहुत शानी है। आजा राजा, आजा 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 आजा, घूमी घूमी जाएंगे, घूमी घूमी जाएंगे, घूमी घूमी आउट। खोल 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 खोल, राजा है। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी तो सोमा ने कहा कि जाते हुए अगर तेज बारिश हुआ तो थोड़ा सा भीगेंगे, तो इसलिए कपड़े लिए मैंने। आसमान की हालत देखिए, ऐसा फील हो रहा है कि अभी झमाझम बारिश होने वाला है। ब्रेकफास्ट करके ही निकले, ब्रेकफास्ट से मतलब मैं सिर्फ चाय पी और बाकी दोनों ने मेंदू वड़ा ठूस ठूस के खा लिया इन लोगों ने। ठूस ठूस के का क्या मतलब? और मैं खाली पेट। तो आगे जाते जाते मैं बताती हूँ, उस दिन दिखाऊंगी मैं कि क्यों जा रहे हम लोग। जल्दी इसलिए निकले कि भाई ट्रैफिक व्राफिक ना मिले और जल्दी जल्दी पहुंचे और जल्दी जल्दी आए। ये तो ट्रैफिक में फंस गए हम लोग। और मैं पवई वाला रोड लेने वाली हूँ, इस रोड का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। पता नहीं बारिश आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। रोड का भी थोड़ा कंफ्यूजन है। स्लाइड राइट टू स्टे ऑन थाने। इस लड़की के वजह से हम रास्ता भटक गए हैं और अभी लेट हो रहे हम लोग। अरे मेरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। मैंने सोचा कि शॉर्टकट मारेंगे है ना, तब मुझे क्या मालूम है कुछ। अब पता नहीं एक्चुअली ये शॉर्टकट है या लॉन्ग कट है। मुझे लगा कि ये रोड सही है क्योंकि किसी ने मुझे दिखाया था ये रोड। अब ट्रैफिक में फंस गए हम लोग। अच्छा खासा वहां से निकल जाते हैं। माय गॉड, हम अभी पहुंच गए पलावा सिटी, लोधा पलावा सिटी पहुंच गए। और जैसे ही सोमा ने कहा और मम्मी ने कहा कि हम लोधा के पास से जा रहे, मैं बोली लोधा जहाँ हमारा घर है वो, मतलब यहाँ पर भी एक घर है जहाँ मैं खाली दो बार आ चुकी हूँ और कभी नहीं आई, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। तो हम वहां से गुजर रहे करजत के लिए। ये रहा, यहाँ पर मेरी माँ का फ्लैट है। माय गॉड गाइस, सही में बहुत गलत रोड से आ गए। सिर्फ देखिए बाइक ही बाइक आ गई, बोल बाइक ही बाइक है सिर्फ। हाँ, अब जहाँ मुझे पहुंचना था जल्दी वहाँ अब मैं पहुंचूंगी लेट। सच में ऐसे गांव गांव से मैंने लिए ना, गाली मिल रही है गाली। ये कहाँ से लेके आई हमको? मुझे लगा शॉर्टकट से जाएंगे, ये तो कुछ ऑल्ट। तब से हम घूम रहे हैं, एक ही जगह में घूम घूम के एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं। अभी पता नहीं, अभी आई होप के प्रॉपर लोकेशन में पहुंचे, काफी टाइम हो गया है। इतना मर मर के गोल 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 घूम घूम के हम लोकेशन में पहुंच चुके। अभी देखते हैं। एक्चुअली मम्मी को लेनी थी जगह, तो काफी टाइम से बोल रही है, तो वही हम देख के मतलब ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे लेके आए हैं दिखाने के लिए। तो अभी देखने के बाद फाइनलाइज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहुंच चुके, ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इनका क्लब हाउस है। सही में बहुत गाली पड़ी मुझे, कान पकड़ ली दोबारा, इस रोड से नहीं आऊंगी। जिस रास्ते से इन लोग बोलेंगे उसी रास्ते से मैं आऊंगी। चाबी ले लो मम्मी। हाँ अच्छा, वहाँ पर भी कुछ है, ये देखिए यहाँ पर
कैरम वगैरह ये सब। मम्मी कहाँ गई? गई है। अच्छा मैं जाके लेती हूँ, ठीक है। मम्मी गई है, सॉरी मम्मी गई है किसी से मिलने के लिए, पता नहीं जगह देखने के लिए, तो देखते जगह। वो ले ले ज़रा, अच्छा वो डाल देना उसमें, डाल दे। अच्छा मम्मी तो वहाँ है। मम्मी का कब से शौक था कि मुझे एक जगह दे, जगह दे, जगह दे। मैंने तो नहीं दिया, मम्मी ने खुद ही ले ली। सोचो बातचीत करके सब तय कर लिया है, आज शायद फाइनलाइज करेगी। हाँ अच्छा शांति रखो तुम तो। सिर्फ वही लाना है। अच्छा पता नहीं मम्मी ने क्या क्या पता नहीं लिया है, मालूम नहीं। क्या कड़कती धूप है। ओह ये देखो दोनों छाता लेके खड़े हो गए और मैं पागल की तरह धूप में। ये वाला जगह है जो मम्मी को लेनी है। ओ गॉड। मम्मी ये थैली पकड़ो। सो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। ये पूरा जो जगह है आप। ये जो वायर लगा हुआ है ये पूरा घेर के रखा हुआ है। ये बाउंड्री जो है यहाँ से लेके पूरा वो येलो गेट तक जो है वो है। सो मम्मी ने जगह फाइनलाइज कर ली। ये जगह है मम्मी। अच्छा तो ये जगह मम्मी ने ऑलरेडी बिना पूछे चोरी चोरी सोमा और मम्मी आके देख के गई थी, मुझे कुछ बताई नहीं। और अब जाके आज स्पेशली मुझे लेके आई कि ये वाला जगह लेनी है। कंफर्म हो चुका है, एक दो दिन में रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। तो आई एम हैप्पी। तो यहाँ भी मैं बनाऊँगी मेरा फार्म हाउस। ये देखो मेरी माँ बस खोदाई चालू है। जगह लिया नहीं कि पहले खोदम खा दी कि पता नहीं क्या झाड़ लगाना है, पता नहीं अभी से ही तैयारी कर रही है कि मम्मी ने डिसाइड कर लिया है कि यही जगह लेनी है। एक किटी को यहाँ बहुत मज़ा आएगा। किटी यहाँ झाड़ों में चढ़ेगी, बट किस झाड़ से किस डाल पे जाएगी पता नहीं, हमारे हाथ में ही आएगी। पता चला उड़ के फुर हो गई वो। आ रहा है क्या जो आदमी आने वाला है? तो कितना टाइम में आ रहा है? एक बार फ़ोन करके पूछो ना, बहुत गर्मी है और बहुत धूप भी है। अच्छा यहाँ पर ना एक दो बंगले बने हुए हैं, मैं देख रही हूँ। तो मम्मी बात करो तुम, तब तक हम आते हैं। ये देखिए ये एक बंगलो है। कितना दूर पे है गार्डन? आगे ही है, राइट में। ऐसे टाइम पे आना था, बारिश के टाइम आ जाते तो अच्छा होता। काम है ना। अच्छा बात करना जरूरी था ना। अच्छा ठीक है, बारिश से पहले ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, आ सकते हैं। सेकंड बंगलो। मेरी बहन यहाँ पर 4-5 बार ही आके गई है मम्मी के साथ। मैं जब पूछती थी कहाँ जा रहे हो, बस काम है जा रहे हैं, ये बोल के जाते थे। सोमा अगर सोच, ये जंगल है एकदम पूरा झाड़िया झाड़िया, अगर यहाँ शेर वेर आ गया तो? यहाँ कोई शेर नहीं है। तो क्या है यहाँ? चीता है जो कि पीला है। यहाँ चीता है और यहाँ एक भूतनी है। तो यहाँ का हो गया है सब बातचीत, तो अभी निकलते हैं अभी यहाँ से। बहुत गर्मी है, देखिए पूरा स्वेटिंग हो रहा है, भागो यहाँ से। सुबह से कुछ नहीं खाई, पेट में कुछ भी नहीं है। चूहे दौड़ लग गई है? नहीं चूहे तो नहीं दौड़ रहा, लेकिन भूख लगी है। अभी हम आ गए द विलेज, यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, तो अभी पेट पूजा कर लेते जल्दी से।
मेरे घर वाले, मेरी मम्मी हंस रही है, ये देखो मेरा डाइट का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन ठीक है आज लास्ट, आज लास्ट, आज लास्ट खा लूंगी बस बस, और उसके बाद नहीं खाऊंगी। उमा को लगा कि इतना खाना ऑर्डर कर दिया है कि हमसे खाया नहीं जाएगा, पार्सल करना पड़ेगा। हम दोनों तो पूरा हजम कर गए, हम दोनों वाह कितना खाते हैं दोनों बहनें, भाई भी कम नहीं है हमारा। हाँ बट जब डाइट करते ना प्रॉपर डाइट करते। वैसे देखिए एक बात बताती, मैं डाइट तो कर रही हूँ लेकिन मैं ना वेट से ज़्यादा इंचेस में बिलीव करती हूँ। डे वन से मेरा इंचेस कम होना चाहिए, वेट हिलते डुलते नीचे जाए चलेगा बट इंचेस में फ़र्क पड़नी चाहिए, जो मुझे फील हो रहा है कि हो रहा है। तो इतना खिला दिया, मतलब मैं भी ना इतनी लालची हूँ ना सही में, खाना देख के मैं भी टूट पड़ती हूँ। ऐसा नहीं डाइट करती हूँ बहुत ईमानदारी से, लेकिन अब सब आ रहे मेरे सामने तो लालच तो आएगी ना। देखो मासूम शक्ल को लोग बोलेंगे ये रोज बोलती है डाइट क्यों डाइट क्यों डाइट वाइट बोल के सब खा रही है। बहुत खा लिया है, खाते टाइम सोचती नहीं हूँ, गप गप करके खा लेती हूँ, चलते सीधा घर। तो पैर की मेरी टोटली बैंड बच चुकी है, मतलब हालत खराब है। जाते हुए भी मैंने ड्राइव की, आते हुए भी मैंने ड्राइव की, सोमा ने एक बार भी ड्राइव नहीं की। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ सीधा कल। सो सी यू टुमारो।